बेस्ट अपकमिंग स्मार्टफोन्स जो कि अक्टूबर में लॉन्च हो सकते हैं। ऐसे में अगर आप प्लान कर रहे हो एक फोन लेने का तो अपकमिंग फोन्स भी आपको जरूर से एक बार चेकआउट कर लेना चाहिए। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। बात करें लिस्ट के पहले स्मार्टफोन की तो होने वाला है सैमसंग की तरफ। सैमसंग S24 फैन एडिशन 120Hz की डिस्प्ले है, सुपर एमोलेड, एक्सिनोस 2400 का चिपसेट होने वाला है एंड ये जो फोन है ये अराउंड 50 से 55,000 के आसपास लॉन्च हो सकता है। अगला जो फोन है दोस्तों वो है OnePlus की तरफ से OnePlus 13। 2K OLED डिस्प्ले मिल जाती है 120Hz वाली, 50MP का ट्रिपल कैमरा मिल जाएगा, स्नैपड्रैगन 8 Gen 4 का प्रोसेसर। 8 Gen 4 जो है एक बिल्कुल ही लेटेस्ट प्रोसेसर है जो लॉन्च के साथ साथ ही आपको इस फोन में देखने को मिल सकता है। ये फोन अराउंड 65,000 के आसपास लॉन्च हो सकता है। अगला जो डिवाइस है वो IQ की तरफ से IQ 13, स्नैपड्रैगन 8 Gen 4 इसके अंदर भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। 2K AMOLED डिस्प्ले मिल जाएगी, ट्रिपल कैमरा 50MP का, 32MP सेल्फी कैमरा मिल जाएगा, 6100mAh की बैटरी मिल सकती है एंड IP68 एंड डुअल स्टीरियो स्पीकर्स के साथ अराउंड 55,000 के आसपास ये फोन जो है वो लॉन्च होने वाला है। अगला जो डिवाइस है वो इन्फिनिक्स की तरफ से इन्फिनिक्स का पहला फ्लिप फोन है जो कि होने वाला है इन्फिनिक्स जीरो फ्लिप। 120Hz की AMOLED डिस्प्ले है, MediaTek Dimensity 8020 का प्रोसेसर, 50+50+50 का ट्रिपल कैमरा सेटअप एंड इसका जो प्राइस है ये अभी फिलहाल के टाइम पे हिडन है बट एक अच्छा कम्पिटेटिव प्राइस में ये फोन लॉन्च होने वाला है। अगला जो फोन है दोस्तों वो है वीवो की तरफ से Vivo X200, एक कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन है। कैमरा के मामले में इस फोन का दूर दूर तक हो सकता है कोई आपको कंपटीटर ना दिखे। इसके अंदर आपको 2K OLED डिस्प्ले मिल जाती है 120Hz वाली, MediaTek Dimensity 9400 का पावरफुल चिपसेट या फिर Snapdragon 8 Gen 4 भी देखने को मिल सकता है, 6000mAh की बैटरी एंड इसका भी प्राइस अभी फिलहाल कंफर्म नहीं है बट ये एक फ्लैगशिप लेवल के बजट के अंदर ही लॉन्च होने वाला है। अगला जो फोन है दोस्तों वो Redmi की तरफ से Redmi Note 14 सीरीज लॉन्च हो सकती है। 6.7 इंचेस की 1.5K AMOLED 120Hz वाली कर्व डिस्प्ले मिल सकती है, Snapdragon 7 Gen 3 या फिर Dimensity 7350 का चिपसेट, 50MP प्लस 12MP प्लस 2MP का मैक्रो एंड IP68 IP69 का प्रोटेक्शन डुअल स्टीरियो स्पीकर्स के साथ 30,000 के आसपास इसका जो है वो आप बजट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रेडमी फैंस के लिए काफी अच्छी बात है। अगला जो डिवाइस है वो मोटो की तरफ से है, मोटो G75 6.8 इंचेस की फुल HD प्लस डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन का पावरफुल चिपसेट, 50MP का OIS कैमरा डॉल्बी एटमोस के साथ, IP68 रेटिंग वाला फोन है एंड ये काफी ज्यादा बजट सेगमेंट के अंदर लॉन्च हो सकता है। 15,000 से लेकर 17,000-18,000 के बीच में इसका प्राइसिंग होने वाला है जो कि बहुत ही कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग है एंड डेफिनेटली अच्छे स्पेक्स के साथ ये फोन भी लॉन्च होने वाला है। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप कौन सा फोन लेने वाले हैं अपकमिंग में नीचे कमेंट जरूर करिए ताकि लोगों की भी हेल्प हो जाए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।